खबर आ रही इंदौर से, जहां सोने मकान पर चोरों का धावा है। ताला तोड़कर घर में घुसे दो बदमाश। जी हां, 80,000 नकदी सहित आभूषण उड़ाकर ले गए हैं। बदमाशों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बाणगंगा क्षेत्र के दिव्य विहार कॉलोनी की घटना है। जी आपको बता दें, खबर इंदौर से है, जहां बदमाशों ने सोने मकान पर धावा बोल दिया है। हजारों का माल उड़ाकर ले गए हैं और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आगे की जानकारी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से संवाददाता हार्दिक प्रजापत। हार्दिक, बताए क्या है पूरा मामला, किस वक्त की घटना बताई जा रही है? जी बिल्कुल, यह पूरा मामला इंदौर के बाहर गंगा थाना क्षेत्र का है, जहाँ सूर्य मकान को बदमाशों ने निशाना बनाया, जिसमें घर में रखे अलमारी में सोने चांदी की जेवरात और नकदी रुपए लेकर बदमाश घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि फरियादी को करीबन 8 दिन पहले चोरी की घटना हुई थी, जिसके बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से बाणगंगा पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई थाने पे मामला दर्ज नहीं कराया। शिकायत आवेदन देने के बाद थाना प्रभारी का कहना है शीघ्र मामले की जांच की जाएगी। जी हार्दिक, जब चोरी हुई थी तब घर में क्या कोई मौजूद नहीं था? जी बिल्कुल, पूरा परिवार घर पे निजी काम से बाहर गया हुआ था, और जिसके बाद जब वहाँ घर दोबारा लौटे तो देखा कि घर का सामान पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, और वहीं अलमारी का ताला टूटा हुआ था, और अलमारी में रखे 80,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए थे। जिसके बाद फरियादी ने आसपास के अपने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज लगा ले, तो जिसमें सीसीटीवी फुटेज में दो बदमाश चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस अब इस पूरे ही मामले की जांच करने में जुटी है। जी, बताया जा रहा है कि बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, तो क्या बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है? जी लाइन अभी कट चुकी है। आगे की जानकारी के लिए, जानकारी बहुत थी अभी के लिए, हम आपको बता दें कि खबर इंदौर से है, जहां सोने मकान पर चोरों का धावा बोल दिया है। ताला तोड़कर घर में दो बदमाश घुसा है। 80,000 नकदी सहित आभूषण उड़ाकर ले गए हैं। बदमाशों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बाणगंगा क्षेत्र की दिव्य विहार कॉलोनी की ये घटना है।